दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेजोन पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। दोस्तों, रिसेंटली हमने बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट हमारे चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं, तो आप चैनल पर जाकर वीडियोस पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगे, वहां से आप स्टॉक मार्केट भी सीख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्टॉक उसके 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे जिस तरह से स्टॉक लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, उसी टाइम पे स्टॉक हमें एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे भी दिख रहा है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के सपोर्ट पे स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है, और यही स्टॉक का अगर हम डेली चार्ट ओपन करते हैं, शॉर्ट टर्म का चार्ट ओपन करते हैं, तो चार्ट के जरिए हम देखेंगे तो यहाँ पे डेली चार्ट पे हमें रिवर्सल का इंडिकेशन भी दिख रहा है। तो ये लेवल पे ये स्टॉक को खरीदना चाहिए क्या, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम ये पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लगभग स्टॉक कुछ महीनों पहले लगभग 3580 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी इसकी प्राइस रेंज देखेंगे तो लगभग 1240 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस पे स्टॉक हमें मिल रहा है, तो ये लेवल पे पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं, ये हम आगे जाकर देखेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम हर वक्त कहते रहते हैं कि चार्ट बहुत पहले हमें सिग्नल देते रहते हैं बाइंग का या तो सेलिंग का, तो यहाँ पे स्टॉक बाइंग के सिग्नल किस तरह से दे रहे हैं चार्ट के जरिए, वो हम देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट टर्म का भी ट्रेड बनता है, और अगर हमें इंटरेस्ट है मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए, तो वहां पे भी ये ट्रेड बनता है। तो हम इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट आने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज को मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अभी ये स्टॉक कौन सा है, किस तरह से चार्ट पे दिख रहा है, वो देखने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे चैनल के मेंबरशिप के प्लान है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, उसी के साथ आज के दिन में हमने और भी वीडियोज अपलोड किए हैं, अगर आपने वो वीडियो मिस किए होंगे या तो नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा तो आप चैनल पर जाकर वो भी वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे भी हमने अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो चलिए अभी से कंटिन्यू कर लेते। तो ये पर्टिकुलर वीडियो के लिए जो भी हमने स्टॉक का सिलेक्शन किया है वो है मेट्रोपोलिस का। तो मेट्रोपोलिस का मंथली कैंडलस्टिक चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया, पहले लॉन्ग टर्म के चार्ट के हिसाब से हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ से इस तरह से कंटिन्यूस बेसिस पे हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक टॉप बना दिया स्टॉक ने। ये जो टॉप बना दिया था, इसका अगर हम टॉप देखने की कोशिश करेंगे, हाई देखने की कोशिश करेंगे, तो लगभग 3579 यानी कि 3580 के आसपास का था, पर अभी जिस तरह से ये ट्रेड कर रहा है तो इसकी करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रही है वो 1240 के आसपास हमें दिख रही है। तो इस तरह से ये स्टॉक यहाँ से टॉप बनाने के बाद कंटिन्यूस बेसिस पे इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्टॉक रुकता हुआ दिख रहा है, और यही लेवल पे जो लेवल है जहां से स्टॉक रिवर्सल का इंडिकेशन दिखा रहा है वहां पे इस तरह से हम ट्रेंड लाइन मार्कआउट करते हैं और हिस्टोरिकल चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो आपको दिखेगा कि मल्टीपल्स मंथली बेसिस के जो कैंडल्स है उसके जो लोज है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने मार्कआउट किए हैं वहां पे ये एज अ सपोर्ट ले रहे थे और फिर उसमें रिकवरी हो रही थी। तो लॉन्ग टर्म का ये सपोर्ट है और मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे सपोर्ट लेकर रिकवरी देते हैं, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि यहाँ से रिवर्सल बन सकता है। यहाँ पे भी आप रिसेंटली जो दो महीने की ये जो कैंडल हमें दिख रही है, ये करंट मंथ और ये प्रीवियस मंथ की, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये प्रीवियस मंथ की भी कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लेकर अच्छा खासा रिवर्सल देकर फिर रिकवरी देकर क्लोज आउट दी थी, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वही लेवल पे सपोर्ट लेकर ही ट्रेड कर रहा है। मार्केट थोड़ा पैनिक ट्रेड कर रहा था इसलिए स्टॉक भी ज्यादा रिकवर होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी मार्केट भी अगर हम देखेंगे हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी, तो धीरे धीरे मार्केट में रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो अगर मार्केट रिकवरी देने लगता है, अच्छा खासा ऊपर जाने लगता है, तो डेफिनेटली इस तरह के स्टॉक्स जो ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे मिल रहे हैं उसमें अगर रिवर्सल बनता है तो एक सही लेवल हमारे लिए बन जाती है पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ से स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक हो जाता है और टारगेट हमें अच्छा खासा मिलता है। तो इसीलिए ये स्टॉक में हमें बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो पहली बात आपको बता दूं कि ये लॉन्ग टर्म के सपोर्ट पे मंथली चार्ट पे सस्टेन होकर ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे कोई भी कैंडल हमें क्लोज आउट देती हुई नहीं नजर आ रही है। तो ये मंथली चार्ट के हिसाब से हमें सिनेरियो दिख रहा है। अभी मैं मेट्रोपोलिस का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करता हूँ, डेली चार्ट के हिसाब से हम देखने की कोशिश करते हैं। जो ट्रेंड लाइन हमने मंथली चार्ट पे ड्रॉ की थी यही ट्रेंड लाइन आपको डेली चार्ट पे भी दिखेगी, और डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि जब भी नीचे से ऊपर गया था तो उसमें अपसाइड में मूवमेंट आई थी, अच्छी खासी मूवमेंट आई थी, फिर नीचे आने के बाद वही ट्रेंड लाइन पे स्टॉक ने इस तरह से सपोर्ट लिया था और फिर अपसाइड में गया था। और यहाँ पे रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो करंट सिनेरियो जिस तरह से शॉर्ट टर्म का बनता हुआ दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये टाइम पे
और ये टाइम पे दोनों भी टाइम पे वही लेवल को हिट करके स्टॉक रिकवरी देता हुआ नजर आ रहा है। ये डबल बॉटम जैसा भी हमें दिख रहा है, डब्ल्यू के हिसाब से भी हम इसको इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम और अब ये ऊपर जा सकता है, तो इस तरह से डब्ल्यू भी बना सकता है और ये डबल बॉटम पे ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट पे। तो डबल बॉटम एक दोस्तों एक बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न रहता है, अगर गिरावट के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे डबल बॉटम पैटर्न बनता है तो एक ट्रेंड चेंज के इंडिकेशन देता है और जब भी हम वहां पे पोजिशन बनाते हैं तो स्टॉक में अगर रिकवरी आने लगती है तो बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट स्टॉक में आती है, तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो एग्जैक्टली डेली चार्ट पे हमें वही सिचुएशन दिख रही है। अभी ये जो सिनेरियोस हमने देखे कि अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस जिस तरह से स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से रिवर्सल बन सकता है। जब भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे थी तो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम पे देख सकते हैं आईपीओ के बाद जितना भी चार्ट मेरे सामने आ रहा है उसके हिसाब से, तो आप देखेंगे कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद इस तरह से एक लेवल पे ये लेवल पे थोड़ा रुका था और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा पुल बैक दिया था एक शॉर्ट टर्म के चार्ट पे, फिर उसमें अपसाइड में मूवमेंट आई थी। अभी जूम करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियरली दिखेगा, कैंडल बेसिस पे थोड़ा रुका था और फिर से अपसाइड में मूवमेंट आई थी, राइट। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी जैसे कि मैंने कहा कि ये भी लेवल है, ये भी लेवल पे आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम जैसा भी सिनेरियो बना था, लगभग उस तरह का सिनेरियो बनाने के बाद स्टॉक में रिकवरी आई थी और रिसेंट सिनेरियो में भी वही सिचुएशन हमें दिख रही है कि ये डबल बॉटम बनाकर रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। तो एक सही अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिल रही है कि एक तो डिस्काउंट प्राइस पे स्टॉक है, उसी के साथ लॉन्ग टर्म के सपोर्ट पे स्टॉक है और उसी के साथ स्टॉक उसके लॉन्ग टर्म के सपोर्ट पे रिवर्सल के इंडिकेशन भी दिखा रहा है। लॉन्ग टर्म के चार्ट पे, मंथली चार्ट पे भी सस्टेन हुआ है और शॉर्ट टर्म के डेली चार्ट पे कुछ ऐसे कैंडलस्टिक के पैटर्न हमें मिल रहे हैं जो कि रिवर्सल का इंडिकेशन दिखाते हैं, तो उसके वजह से हमें लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ से रिवर्सल बन सकता है। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी कुछ रीजन मैंने आपको बता दिया, आपके साथ शेयर किए कि क्यों ये स्टॉक हमें अच्छा खासा दिख रहा है। हम अभी इसके आगे कंटिन्यू करते हुए ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें इसमें पोजीशन बनानी है तो किस तरह से हम पोजीशन बना सकते हैं, किस तरह से हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट हमें किस तरह से डिफाइन करना है। अभी पहली बात ये हो जाती है कि अगर आपको प्योरली शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है तो आज की जो कैंडल है, अगर बुलिश मोड में आज की कैंडल क्लोज होती है तो आज के कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद हमें पोजीशन बनानी है, तो ये पहली बात हो जाती है। एंट्री के लिए स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, ये जो सपोर्ट लाइन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे अगर आगे जाकर क्लोज आउट देता है तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट टर्म का टारगेट हमारा रिसेंट रेजिस्टेंस रहेगा या तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी आप शॉर्ट टर्म का टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म का टारगेट आने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें पहले यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और फिर रिमेनिंग क्वांटिटीज को हमें ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जाना है, जितना भी हायर स्टॉक जा सके उतना। यहाँ पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा यही हो जाता है कि प्रॉफिट लॉकिंग हो जाती है। पहले तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, उसका बेनिफिट यही हो जाता है कि कुछ तो प्रॉफिट हम बुक करके हम पीसफुल हो जाते हैं और उसी वजह से रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम होल्ड भी कर पाते हैं। और दूसरा एक फायदा होता है कि स्टॉक जितना भी ज्यादा ऊपर जाता है ट्रेलिंग करते रहते तो प्रॉफिट लॉकिंग भी होता है, और अगर ट्रेल हिट ना होता और स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाता है तो अच्छे खासे रिटर्न देने की भी संभावना रहती है। तो वही सिचुएशन में ये चार्ट पे दिख रही है, अगर आगे जाकर कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस को स्टॉक ब्रेकआउट देता है शॉर्ट टर्म के चार्ट पे और कोई भी मंथली चार्ट पे, लॉन्ग टर्म के चार्ट पे हमें रिवर्सल का इंडिकेशन और उसके आगे जाकर कंफर्मेशन मिलता है तो डेफिनेटली स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, तो आप इस स्टॉक को आपके रडार पे रख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इस एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।